Lok Sabha Speaker has now called a meeting of all leaders of all parties of the Lok Sabha at her residence to ensure smooth conduct of the House. Yes, Sumitra Mahajan has called for an all-party meeting. Let me go across to Nandita, who is now joining us live for a fresh update. Nandita, earlier we were talking about how the opposition had enough ammunition against the ruling party given the circumstances around JNU. But this time, it seems the ruling party has enough ammunition now after what G.K. Pillai has revealed and after Chidambaram's statement on Afzal Guru. What can you tell us of the agenda that could dominate the parliament session today and about this particular meeting that Sumitra Mahajan has called? पॉलिटिकल दबाव की वजह से एफिडेविट बदला गया, मुझे लगता है ये जो लोग एकदम से जिनको आतंकवादियों के प्रति अचानक जो है वो प्यार उभर आया है, विशेष तौर से जो हमारी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है उसका ब्रांड न्यू प्यार जो है वो आतंकवाद है, अलगाववाद है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं। तो अगर इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की ब्रांड न्यू प्यार ये होगा तो हम आज हमारे कुछ साथियों ने देखा है, हमने चर्च नोटिस दिया हुआ है कि जो कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व होम मिनिस्टर चिदंबरम साहब ने जो अफजल गुरु के बारे में आतंकवाद के बारे में जो ज्ञान दिया है देश को, उससे कांग्रेस कितना सहमत है, उसके अलावा और भी चर्चाएं होंगी। सर, आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान जो सीधे तौर पर मदद कर रहा है, जैसे देखिए जो भी मदद कर रहा है आतंकवाद को, आतंकवादियों की, चाहे अंदर से कर रहा हो चाहे बाहर से कर रहा हो, वो बचेगा नहीं, उसके साथ किसी भी तरह की नरमी होगी नहीं। सर, बीजेपी सांसद उदित राज भी महिषासुर का जो एक कार्यक्रम जेएनयू में 2013 में हुआ था उसमें शामिल हुए थे और अब विपक्ष इस बात को लेकर 2013 में वो हमारी पार्टी के एमपी नहीं थे। नहीं, हमें लगता है कि जब सरकार हर प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं चर्चा नहीं होनी चाहिए, जब चर्चा नहीं करते हैं तो कहते हैं चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। तो इससे साफ जाहिर है कि विपक्ष चाहता ही नहीं कि हाउस चले और कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, परंतु देश देख रहा है, मतदाता देख रहा है, वो किसी को क्षमा नहीं करने वाला, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण विषय, इतने महत्वपूर्ण बिजनेस पेंडिंग पड़ा है जो जनहित का है, आम इंसान के हित का है। जिस महिषासुर का दिक्कत की गई उसमें बीजेपी सांसद उदित राज भी शामिल हुए कार्यक्रम में जेएनयू में 2013 में। देखिए, इस टिप्पणी पे ना जाते हुए पहले ये समझना आवश्यक है कि जिस विषय को लेकर के चर्चा हो रही है और जब ये मान लिया गया था कि इस चर्चा के उपरांत हाउस में बिल भी लिए जाएंगे, तो फिर यदि किसी न किसी तरह से उसे डिरेल करने का प्रयास किया जाता है तो उसका क्या अर्थ है वो आप समझ सकते हैं। राज ने माना है कि हम ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए थे 2013 में, हम किसी व्यक्ति में नहीं थे, व्यक्ति विशेष की बात करने का कोई लाभ नहीं है। अर्थ ये है कि ये जो प्रजातंत्र का मंदिर है जिसके बाहर हम खड़े हैं, ये किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो सीधे तौर पर सपोर्ट कर रहा है जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का, जैश ए मोहम्मद को लेकर के आर्मी चीफ ने भी एक बार सवाल उठाया लेकिन पाकिस्तान अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नहीं, वो हमारे जितने भी संबंधित विभाग हैं, गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, आर्मी एजेंसीज हैं, वो सब इस घटनाक्रम का और इन सब बातों का संज्ञान